क्रिकेट के शायकीन हो जाए तैयार, इंतजार की घड़ियां खत्म। T20 वर्ल्ड कप ट्रॉफी पर कब्जे की हकीकी जंग शुरू हो गई। सुपर 12 राउंड की टीमें आपस में टकराने के लिए तैयार। ग्रुप ए में ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अफ्रीका की टीम मद्दे मुकाबल। दूसरा मैच इंग्लैंड का डिफाई चैंपियन वेस्टइंडीज से होगा। T20 वर्ल्ड कप के बड़े मैच की बड़ी तैयारी। कौमी टीम ने भारत को हराने के लिए कमर कस ली। शायकीन को मैच का बेसब्री से इंतजार, लेकिन अभी करना होगा एक दिन इंतजार। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रमीज राजा कहते हैं, पाकिस्तान और भारत का मैच सुपर ओवर में जाएगा जिसमें पाकिस्तान की फतह होगी। कौमी टीम के सबक कप्तान मोहम्मद यूसुफ ने पाकिस्तान टीम के ICC T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचने की पेशगोई कर दी। हमारी टीम में ऐसे खिलाड़ी हैं जो अकेले मैच जितवा सकते हैं। वज़ीर-ए-आज़म सऊदी अरब के 3 रोज़ा दौरे पर रवाना। इमरान खान मशरिक वुस्ता ग्रीन इकदाम के इजरा की तकरीब में शिरकत करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को 3 रोज़ा दौरे की दावत सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने दी। वज़ीर आज़म के हमराह वज़ीर खारजा और काबीना अरकान पर मुश्तमिल आला सतह का वफ्द भी शामिल है। वज़ीर दाखला शेख रशीद मुतहद अरब अमारात से अचानक वापस पहुंच गए। वो शारजा से इस्लामाबाद पहुंचे। वज़ीर दाखला शारजा में पाक भारत क्रिकेट मैच देखने गए थे। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने इन्हें वापस आने के लिए कहा था। अमेरिकी मीडिया ने दावा किया है कि अफगानिस्तान में फौजी ऑपरेशन के लिए अमेरिका पाकिस्तान के साथ बाज़ाब्ता मुआहदे के करीब है। अमेरिका अफगानिस्तान में फौजी ऑपरेशन के लिए पाकिस्तानी फजाई हदूद इस्तेमाल करेगा। गैर मुल्की मीडिया का दावा। तर्जमान दफ्तर खारजा ने पाकिस्तान और अमेरिका के माबैन मुआहदे को बाकायदा शक्ल देने के हवाले से खबरों की तरतीब कर दी। कहा, पाकिस्तान और अमेरिका के माबैन ऐसे किसी मुआहदे पर बातचीत नहीं हो रही। पाकिस्तान और अमेरिका का इलाकाई सलामती और साथ दहशतगर्दी पर देरीना तआवुन है। पाकिस्तान और अमेरिका में बाकायदा मुशावरत जारी है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शी शाह की रिहाई के अहकाम जारी। 2 रोज का सुप्रीम कोर्ट ने खुर्शी शाह की जमानत पर रिहाई के अहकाम जारी किए थे, जिसके बाद पीपी रहनुमा के बेटे ने अदालती हुकुम पर 1 करोड़ के जमानती मचल के एहतसाब अदालत में जमा कराए। नॉन स्टॉप महंगाई के खिलाफ PDM सड़कों पर लाहौर, कसूर और मरी समेत दीगर शहरों में भी मैदान लगा लिया। नू लीग ने एहतजाज का शेड्यूल जारी कर दिया। खालीवाल और सियालकोट में आज मैदान सजेगा। गुजरावाला, गुजरात, साहिवाल और मुल्तान में कल मुजाहिरे होंगे। जब भी कुछ होता है तो इमरान खान कहते हैं ये पिछली हुकूमतों ने किया है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा राजा परवेज अशरफ की हुकूमत पर तनकीद कहते हैं, इमरान खान कहते थे कि 2000 अफराद भी गो का नारा लगाएं तो मैं चला जाऊंगा। आज तो 22 करोड़ अवाम गो का नारा लगा रहे हैं। रुपए की कदर बांग्लादेशी टके से भी कम हो गई है। हुकूमत महंगाई की वजह से आम आदमी की तकलीफ से पूरी तरह आगाह है। मुनाफाखोरों और जखीरादोजों के खिलाफ बिला इम्तियाज क्रैकडाउन जारी रहेगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा, हुकूमत पायदार इकदाम करके लोगों को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ की फराहमी यकीनी बना रही है। पाकिस्तान IMF की बेशतर शराइत मान ली। वजारत खजाना का कहना है कि कर्ज प्रोग्राम बहाली के लिए पाकिस्तान को नई शराइत पर अमल दरामद करना होगा और कर्ज प्रोग्राम की बहाली का हतमी ऐलान IMF बोर्ड करेगा। वफाकी वजीर असद उमर ने महंगाई के खिलाफ अपोजिशन के एहतजाज को प्याली में तूफान करार देते हुए कहा कि हुकूमत के खात्मे की बातें 6ठी बार की जा रही है। अल्लाह ने जो लिखा है वही होगा। महंगाई सिर्फ पाकिस्तान में नहीं दुनिया भर में है।
आटा और चीनी चोर हमारी जान छोड़े, वजीर आला से मुराद अली शाह वफाकी हुकूमत पर बरस पड़े। कहा जब तक ये लोग रहेंगे अवाम को सुकून नहीं मिलेगा। पीपल्स पार्टी हमेशा गरीबों के साथ रहेगी। नाअहलों ने महंगाई का तूफान बर्पा कर दिया। मुल्क में हकीकी जमहूरियत बिलावल भुट्टो की शक्ल में आएगी। तुम अब जल जाओगे, अब तुम घबराना नहीं। बलोचिस्तान असेंबली ने वज़ीर आला के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर राय शुमार की कार्रवाई का एजेंडा जारी कर दिया। जाम कमाल के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की करारदाद पर राय शुमारी 25 अक्टूबर को दिन 11 बजे होगी, जिसके लिए सेक्रेटरी असेंबली ने तरीकेकार भी जारी कर दिया। बलोचिस्तान के जिला मस्तोम में सीटीटी की कार्रवाई में 9 मुबैना दहशतगर्द हलाक हो गए। ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्दों के कब्जे से असला गोला बारूद भी बरामद किया गया। बरामद किए गए असले में 9 क्लाशनकोफ, 20 किलो धमाका खेज मवाद, प्राइमा कार डेटोनेटर, आरपीजी रॉकेट और 2 गोलियां शामिल। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर कह रहे हैं आवाम को बुनियादी सहूलतों की फराहमी हुकूमत की अवली तरजीह है। गवर्नर पंजाब से डिप्टी स्पीकर पंजाब सदी सरदार दोस्त मोहम्मद वजान की मुलाकात। सियासी हुकूमती और पार्लियामानी अमूर समेत दीगर इशूज पर बातचीत। कहा सियासी मुखालिफिन के एहतजाज से खौफजदा नहीं, इलेक्शन 2023 में होंगे। मुल्क भर में कोरोना वायरस के केसेस में कमी का सिलसिला जारी। 24 घंटों के दौरान कोरोना के 22 15 अमवात रिपोर्ट। मुल्क भर में कोरोना के 22 अमवात की तादाद 28,359 हो गई। कोरोना केसेस की मजमूई तादाद 12,67,945 तक पहुंच गई। गुज़श्ता 24 घंटों में 39,179 कोरोना टेस्ट किए गए, जिसमें 552 अफराद में कोरोना वायरस रिपोर्ट मस्बत। केसेस की शरह 1.40% रही। दुनिया भर में 24,32,73,624 अफराद कोरोना से मुतासिर। दुनिया भर में कोरोना से हलाकतों की तादाद 49,45,287 हो गई। दुनिया भर में 2,70,228 मरीज सेहतयाब हो चुके। इस्लामाबाद में डेंगू से मुतासरा मरीजों की तादाद 2,721 हो गई। महकमा सेहत के मुताबिक डेंगू के बायस जाबाग होने वालों में अफराद की तादाद 10 हो गई है। 24 घंटों के दौरान इस्लामाबाद के 118 शहरी डेंगू का शिकार है। हुकूमत ने पंजाब का कैदियों के साथ जेल मुलाजमीन को रिलीफ देने के लिए खसूसी पैकेज दिया। तनख्वाहों और अलाइंसिस के साथ जेल मुलाजमीन को एक इजाफी बुनियादी तनख्वाह के बराबर पुलिस एंड सिक्योरिटी अलाउंस दिया जाएगा। पैकेज पर तकरीबन 2,77,00,000 रुपए खर्च होंगे। वफाकी वजीर हमाद अजहर का बिजली के तरसीली निजाम में 111 अरब रुपए की बड़ी सरमायाकारी का ऐलान। कहा इकदाम से कौमी ग्रिड से बिजली की तरसीली सलाहियत में इजाफा होगा। सरमायाकारी आइंदा 3 साल में NTDC के जरिए की जाएगी। मनपसंद कंपनी को नवाजने का इल्जाम। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने यूसुफ रजा गिलानी को नोटिस जारी कर दिया। 10 नवंबर को तलब कर लिया। नैब ने मुल्जिमान के खिलाफ एहतराज से तजावज करने का रेफरेंस दायर कर रखा है। शाम में अमरीकी ड्रोन हमले के नतीजे में अलकायदा का सीनियर रहनुमा अब्दुल हामिद अल मतर हलाक हो गया। ताहम ड्रोन हमले में मजीद किसी जाने नुकसान की कोई इतला नहीं मिली। और उसके बाद दाइश ने जनूबी शाम में अमेरिका के जेर इस्तेमाल बेस को भी निशाना बनाया था। न्यूजीलैंड की वजीर आजम की बराह रास्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान 5.8 तक का जल्जला गया। ताहम जसिंडा ऑर्डन मुतमइन रही। मुल्क के कई हिस्सों में जल्जले के झटके महसूस किए गए। ताहम कोई जानी या माली नुकसान नहीं हुआ।